हे गाइज, आज की इस न्यू वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गाइज कि अगर आप अपने फ़ोन पे से किसी को पेमेंट करना चाहते होंगे तो वहाँ पे आपको एक एरर शो कर रहा होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि देख सकते हो, आपको ये एरर शो जरूर कर रहा होगा, ये आपको देखने को जरूर मिल रहा होगा और इसके आगे की प्रोसेस आपसे नहीं हो रहा होगा। तो चलिए आज मैं आपको इस एरर को फिक्स आउट कर देने वाला हूँ। तो गाइज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लेकिन उससे पहले गाइज आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक जो वीडियो देख रहे हो ना उसके जस्ट नीचे लाइक बटन दिया हुआ है, तो अगर अभी तक एक प्यारा सा लाइक नहीं किया है एक लाइक कर दो। लाइक करने के बाद गाइस करना क्या है ना कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद गाइस बगल में जो बेल आइकन की घंटी है उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लो, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके, उस वीडियो को सबसे पहले आप देख सके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो आप फोन पे चलाते हो गाइस, अगर आप किसी को पेमेंट करना चाहते होगे तो आपको एक एरर शो कर रहा होगा, तो उस एरर को कैसे फिक्स आउट करना है आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो गाइस इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बहुत जरूर कीजिएगा, तभी तो आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स आउट हो जाने वाला है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, तो उसके लिए गाइज पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद गाइज आपको सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जाने के बाद वहाँ पे आपको फ़ोन पे सर्च मार लेना है। जैसे कि देख सकते हो, मैं यहाँ पे फ़ोन पे जैसे सर्च मारता हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करने लग जाता है। तो फ़ोन पे के अंदर एक न्यू अपडेट आया गाइज, अगर आप अपडेट नहीं किए हो तो फटाक से जाकर अपडेट कर लो। देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपडेट कर लिया है, इसलिए ओपन करने का ऑप्शन दे रहा है। तो चलिए मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूं। अगर आप अपडेट नहीं किए हो तो पहले अपडेट कर लो, उसके बाद फिर आप भी ओपन कर लो। ओपन जैसे करते हो गाइस तो देख सकते हो फोन पे का होम पेज आ चुका है। तो अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि वो जो प्रॉब्लम आपको शो कर रहा है वो कैसे फिक्स आउट करना है। क्योंकि गाइस जैसे आप अपने फोन पे से किसी को पैसा ट्रांसफर करना चाहते होगे तो वहाँ पे आपको एक एरर शो कर, सिंपल से आपको क्या करना है गाइस, जो ऊपर में प्रोफाइल फोटो दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर जैसे क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हो। उसके बाद फिर आपको क्या करना है गाइस, स्क्रॉल करते हुए ऊपर आना। ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन जरूर देखने को मिलेगा, QR कोड के ऊपर UPI सेटिंग। तो आपको UPI सेटिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है कि यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए ऊपर आना। ऊपर आने के बाद यहाँ पे जो आपको एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा तो एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे ब्लर कर दिया हूँ गाइस, क्योंकि ये मेरा पर्सनल है, इसलिए आप जैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो बहुत ही ईजिली तरीके से आप भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे फिर आपको सिम वन सिम टू, अगर आपके मोबाइल में दो सिम है तो यहाँ पे सिम वन में या सिम टू में ये सिलेक्ट करने कहेगा। चलिए मेरा सिम टू में, तो यहाँ से मैं सिम टू सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद फिर कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है तो कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दो गाइस तो आपके सामने कुछ इस तरह का प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हो। उसके बाद फिर ओके कर देना है। देख सकते हो यहाँ पे आपका सक्सेसफुली हो चुका है गाइस। तो अब चलिए यहाँ से आपको बैक कर लेना है, और यहाँ पे आपको एक मैसेज भी आ जाएगा। तो चलिए इस मैसेज को मैं हटा देता हूँ। उसके बाद फिर आपको बैक कर लेना है। यहाँ पे चलिए मैं फिर से बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है कि यहाँ से फिर से अब जैसे अपने फोन पे के उसके बाद गाइस जैसे आप फोन पे से किसी को भी इतना काम करने के बाद जैसे आप अपने फोन पे से किसी को भी पैसा ट्रांसफर करते हो गाइस, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रांसफर करके। तो फिर आपको यहाँ पे टू मोबाइल नंबर दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल में वो नाम सेव है तो यहाँ पे आप उस नाम को सर्च मार सकते हो, यहाँ पे शो करने लग जाएगा। अगर वो नाम सेव नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ नंबर लिखिएगा। नंबर लिखने के बाद गाइस फिर उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मेरा नाम इसमें सेव है जिसको मैं पेमेंट करना चाह रहा हूँ। तो चलिए मैं एक फ्रेंड है कुंदन कुमार, तो उसी को मैं एक रुपया आपको सेंड करके बताता हूँ कि देख सकते हो अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ, देख सकते हो कुंदन कुमार ऊपर में उसका फ़ोटो यहाँ पे शो करने लग जाएगा। अगर उसका फ़ोटो लगाया हुआ होगा तो यहाँ पे शो करने लग जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो मैं उसके साथ दो बार लेन देन कर चुका हूँ गाइस। तो चलिए मैं अब आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे जाना है गाइस, यहाँ पे जाने के बाद जितना आप मनी यानी जितना भी पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हो यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। तो फिलहाल मैं आपको बताने के लिए एक रुपया ही यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर गाइस यहाँ पे का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो आपको पे पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पे पे क्लिक करते हो गाइस तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। देख सकते हो गाइस जो आपको एरर शो हो रहा था वो एरर अब शो नहीं हो रहा है। डायरेक्ट यहाँ पे आपको UPI पिन
क्रिएट करने को कर रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे UPI पिन क्रिएट कर लेते हो तो आप किसी को भी इजीली तरीके से सेंड कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, UPI पिन यहाँ पे मैं फिलअप कर दूँ, जैसे कि देख सकते हो मैं यहाँ पे UPI पिन फिलअप कर दिया हूँ। फिलअप करने के बाद गाइस आपको क्या करना है कि गुड के निशान पर क्लिक कर देना है। जैसे गुड के निशान पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुल ट्रांसफर हो चुका है गाइस। तो इस तरह से गाइस अपने पे फोन से किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा गाइस। अगर आपको एरर शो कर रहा है तो अब एरर नहीं शो कर रहा होगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए हैं। तो होप आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर गाइस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही न्यू धमाल वीडियो देखने के लिए गाइस फटाक से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख सके अगले न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।